Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. So, पहले के टाइम पे देखो ऐसे टाइप्स के घर होते थे और बहुत ही ज्यादा मजबूत होते थे ये, क्योंकि यहाँ पे खुद ही बनाते थे लोग। और उससे पहले सबसे पहले देखो हमारे मीट मिस्टर टोटो। ए मिस्टर टोटो, व्हाट्स अप? ये भाई बहुत ही ज्यादा नॉटी है और बहुत ही ज्यादा लोगों को काटता रहता है, काटता इन द सेंस खेलता रहता है ना। चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, खाना इसका ही रहा। और आपको रूम का टूर देते हैं। यहाँ पे दो रूम है एक्चुअली, पहला वाला रूम हमने अभी बंद कर रखा है, बट दूसरे वाला रूम मैं दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पहले कैसे रूम हुआ करते थे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी फाइनली इन्होंने स्टोरेज स्पेस यूटिलाइज कर रखा है इसको। ये ऐसे रूम होते थे और यहाँ पे क्या कहते हैं पुताई होती थी, बट अभी फर्श बना दिया। बाहर की साइड देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बरामदा वाला एरिया है इधर की साइड। चलो अभी अब मेन वाले घर पे चलते हैं इधर की साइड, यहाँ का टूर देता हूँ, जो कि ज़्यादातर पहले गांव में कैसे घर होते थे वो दिखाता हूँ आपको। तो ये है मेरे उत्तराखंड के नेचुरल घर, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पे हट वगैरह बनाते थे पहले, और इनका जो बाहर की दीवार होती थी ना, ईंट लगा के हम मिट्टी से पुताई करते थे। ठीक है, तो आप आज एग्जैक्टली आपको वही वाला घर दिखाने वाला हूँ मैं। बाहर की साइड देखो, इन्होंने लकड़ी लगा रखी है इधर की साइड, ताकि ये जो शेड है इसको सपोर्ट मिल सके। इधर भी लकड़ी है, ये देखो। और यहाँ पे छोटा मोटा सामान रखने के लिए, और ये खिड़की होती थी, ये छोटी सी खिड़की, विच वेरी क्यूट, राइट। चलो अंदर लेके चलते हैं आपको। अंदर भी ऐसी है सेम, अंदर भी दीवारें और उनसे पुताई कर रखी है मिट्टी से। और नीचे जैसे मैंने बोला था ना उस वाले रूम में भी ऐसा था। यहाँ पे भी देखो मिट्टी की पुताई है पूरी की पूरी। और ये हमारा रूम है इधर की साइड, यहाँ पे खाना बनता है बेसिकली। हम इसको बोलते हैं ये हमारा किचन एरिया है। वैसे ये घर था पहले पूरा, इसमें किचन भी था, सब कुछ था, बट अब सिर्फ इनमें इसको किचन बना रखा है। इधर की साइड देखो, यहाँ पे ये किचन एरिया है। गैस देख लो हमारी ऐसी होती है इधर की साइड, मिट्टी से ही। और यहाँ पे हम बड़े बड़े जो चूल्हे होते हैं ना, बड़े बड़े कुकर हो गए, बड़े पतीले हो गए, वहाँ पे खाना बनाते हैं लकड़ी जला के। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे है। और वहाँ से खिड़की आपको दिख रही है ये वाली। तो ये है हमारा ओरिजिनल उत्तराखंड का घर। ठीक है, ये ऊपर देखो ये शेड लगा रखा है इन्होंने इधर की साइड, ये शेड था। और ये हमारा किचन का एरिया। चलो यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हमने गाय है वहाँ पे, बकरियाँ हैं बहुत सारी है, तो वो पालते हैं इधर की साइड, लेट्स गो। और ये देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, इधर की साइड देखोगे आपको कुछ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हैं बैंगन। ये बार ये रहे, इधर की साइड देखो ये रहा, भाई साहब इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, और इधर के इधर की साइड चलेंगे, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं हमारी बकरी, ये बकरी एक इधर बांध रखी है। और इधर की साइड हमारी दो गायें हैं, और यहाँ पे खेती हो रही है देखो इधर की साइड, यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स वगैरह उगाए जाते हैं। और मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारी मिस्टर बकरी या मिस्टर बकरा जो भी है, आई डोंट नो, यहाँ पे पालते हैं। इनके पास पहले होती थी कम से कम 35 से 40 बकरियाँ होती थी। यहाँ पे देखो इधर की साइड पीछे पूरी घास यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट कर रखी है, यहाँ पे एक वॉल सी बना रखी है पेड़ों की। अभी थोड़ा यहाँ से आगे नहीं जाता भाई, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। मैं उधर से घूम के आता हूँ, ठीक है, उधर से घूम के आता हूँ। चलो ये पीछे का एरिया एक्चुअली इधर की साइड, और उधर की साइड पार की साइड भी हमने क्या कर रखा है, खेती कर रखी है। चलो पीछे की साइड से चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये इधर की साइड चलते हैं, इधर पैदल पैदल पैदल, लेट्स सी, जगह है नहीं है भाई, बहुत पतली जगह है वैसे, खतरनाक। और इधर भाई बहुत सारे क्या कहते हैं, एक आध सांप भी निकल सकता है, तो बी केयरफुल। तो यहाँ के गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये रहा वो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि हमारे उत्तराखंड का रियल पिक्चर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था और बहुत ही ऑर्गेनिक होता था। इधर की साइड देखो इन्होंने बहुत सारी खेती कर रखी है, ये भी हमारे ही एरिया है। इतना बड़ा पीछे, आगे तो मैंने आपको दिखाया था, राइट,
चलो इधर की साइड देखो, इन्होंने वॉल बना रखी है इस लकड़ी की। और ये वाली मशीन आई एम श्योर आपने किसी ना किसी मूवी में देखी होगी, जिससे कि हम धान काटते हैं या सब्जियां काटते हैं। देखो ये वाली सब्जियां, ये देखो ये सब्जी कट रही है इधर की साइड। और घुमा के देखते हैं अपन थोड़ा सा। अरे भाई इसमें जान लगती है भाई, ऐसे ऐसे नहीं घूम जाएगा ये। इसके लिए कम से कम भाई दो बंदे चाहिए, एक बंदा यहाँ से सब्जी डाले और बंदा दूसरा बंदा दोनों हाथों से इसको काटेगा, ठीक है। जैसे ये वाली है ना, ऐसी बहुत बड़ा बंडल जाता है इसके अंदर यहाँ पे, और वहाँ से कोई घुमाता है यूँ करके और यहाँ पे सब्जी कट जाती है और उस वाले बॉक्स में आके कलेक्ट होती है, ठीक है। और ये एक और एरिया, ये कौन सा है मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या रख रखा है। ओके ये वही है, गाय का एरिया है जहाँ पे गाय, क्या कहते हैं, गाय रहती हैं। और अभी फ़िलहाल वो बाहर हैं और कुछ खाने के लिए चली गई उधर की साइड, बांध रखा मतलब बेसिकली उन्हें। ये हमारे मिस्टर बकरा बाबू। अरे भाई 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 माफ़ कर दे भाई, कुछ नहीं कह रहा। चलो यहाँ पे पुरानी चीज़ें याद होगा, ये सिलाई मशीन होती है हमारी, ठीक है। ये संदूक वगैरह स्टोरेज के लिए, और ये घास जो मैंने दिखाई थी, ये पूरी घास इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है। वो देखो खाना आ गया हमारे बकरे भाई साहब का, खाने में लग गई उधर की साइड। और वहाँ पे पापा जी ने गढ़वाली गाने चला दिए। ये देखो जी, और पीछे की साइड आप देख रहे हो उधर की साइड, वहाँ पे इतना कोहरा हो रहा है और ये पहाड़ हैं और कुछ नहीं है, पहाड़ हैं। सो डेफिनेटली वी आर हैविंग यू नो लॉट ऑफ ब्यूटी। पहाड़ों के बीच में ये गांव है जो जिसका नाम है कोटद्वार, राइट। सो वेरी ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, राइट। चलो ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा हमारा जो फार्म हाउस था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और रहने के लिए खाने के लिए सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक है, ठीक है। और एक और देखो यहाँ पे ये लंबे लंबे बैंगन हैं इधर की साइड, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये देखो, जबकि सूखी लकड़ियाँ हैं, ये यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो लंबे लंबे बैंगन, डिफरेंट गेंदे के फूल। और ये हमारी तुलसी जो कि पिंक है, वैसे मैंने दिल्ली में देखी नहीं मगर यहाँ पे पिंक ही होती है, ये देखो। और यहाँ पे हमारी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, सब्जियाँ वब्जियाँ कट रही हैं इधर की साइड। देखो पापा जी आराम से आग सेकते हुए, और अंकल ने चला दिए अपने गढ़वाली गाने मस्त। ये गजल है। चलो एक एरिया रह गया जो कि है छत पे दिखाता हूँ, और आपको पूरी ब्यूटी दिखाता हूँ पूरे कोटद्वार की। ये था हमारा फाइनल स्पॉट जो कि छत, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके कैसी हमारी छत और वहाँ से कैसा व्यू आता है पूरे कोटद्वार का, ठीक है। लेट्स गो। ये देखो जी, ये हमारी पूरी छत, और यहाँ पे हमारी टंकी लगी हुई है इधर की साइड, और डिश टीवी भी है यहाँ पे, पूरे सिग्नल आते हैं, ठीक है। और ये व्यू है पूरा कोटद्वार का हमारी छत से, ये देखो। थोड़ा सा पास जाके दिखाता हूँ इधर की साइड, अब पूरा दिख जाएगा। ये देखो इधर, ये पूरा खेत हमारा वो वहाँ तक बिल्कुल एंड तक, और वो जो है पूरी बाउंड्री ये सब वो भी हमारा है उधर की साइड, ठीक है। ये बाकियों का खेत है इधर की साइड, इनके घर रंग बिरंगे। और उधर की साइड देखो, पीछे थोड़ी सी दूरी पे जाके हमारे पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं उधर की साइड। ये देखो यहीं से हमारा व्यू आ रहा है, और इधर पेड़ आ गया तो पीछे व्यू नहीं आ रहा, बट यस पीछे की साइड देखो इधर बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखा है पहाड़ों पर इधर। तो ये था हमारे फार्म हाउस का टूर, ठीक है। श्रेष्ठ और अंकल, श्रेष्ठ कह रहा हूँ, सचिन और अंकल क्रिकेट खेलते हुए। ये देखो ये, वेरी गुड, नाइस शॉट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं हमारे फार्म हाउस से, एंड आई होप आप लोगों को हमारा फार्म हाउस टूर पसंद आया होगा, तो आप ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अब हम यहाँ से निकल के अपने कल से नॉर्मल रूटीन पर जाएंगे, जो दिल्ली अभी हम नोएडा के लिए निकल रहे हैं। और लेट्स सी, बाय बाय।